हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10 सीबीएसई का ये 2023-24 का एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। सैम्पल पेपर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो और जो हमारा लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर था, उन सबकी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर लेना। इस वीडियो की भी एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पेपर के। क्वेश्चन पेपर जो हमारा ए पार्ट में सेक्शन ए जो हमारा मल्टीपल चॉइस पार्ट्स है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिजिटल डिवाइड। में से कौन सा डिजिटल डिवाइड का फैक्टर नहीं है? डिजिटल लिटरेसी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी, टेक्नोलॉजी गैप, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। सही आंसर है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक वेबसाइट दी गई है https://digilocal.gov इनकम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है किसके अंतर्गत आती है? ई कॉमर्स, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस या फिर ई बैंकिंग। जो डिजी लॉकर की वेबसाइट है वो हमारी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, अल्टा विस्टा या फिर फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक हमारा वेब ब्राउजर है, गूगल, बिंग और अल्टा विस्टा ये हमारे सर्च इंजन है। गूगल क्रोम जो होता है वो भी एक वेब ब्राउजर होता है, राइट? तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है फायरफॉक्स। नेक्स्ट है, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ SSH। SSH की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, सिक्योर सॉकेट हैंडशेक प्रोटोकॉल, सॉकेट सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, शेल सॉकेट सिक्योर प्रोटोकॉल या फिर सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर हमारा सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कार्ड। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं? वेब पेज, हाउस पेज, होम पेज या मल्टी मीडिया पेज। जो किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट एडिक्ट, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर सफारी। जो यहाँ पर हमारा मोज़िला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है जो एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, द HTML टैग यूज टू मेक द टेक्स्ट करेक्टर अपेयरेंस एज सुपर स्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं? SUB या फिर पी टैग या फिर S टैग या SUP टैग। सुपर स्क्रिप्ट के अगर हम स्टार्टिंग के थ्री लेटर देखते हैं तो SUP होता है, यानी SUP की जो स्पेलिंग है यहाँ पर डी ऑप्शन में आ रही है, यानी सुपर स्क्रिप्ट डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ए हेडिंग इन ए HTML। इनमें से हम HTML में हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? TD टाइप हेडिंग्स, T हेड, हेड या फिर TH। अगर हम इसमें टेबल्स की हेडिंग्स की बात करते हैं HTML में तो इसके लिए हम TH टैग का यूज करते हैं। द कॉमनली यूज एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल्स। HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? .htm, .html, .xml या फिर बोथ ANB। HTML की एक्सटेंशन फाइल HTML और HTM दोनों से ही सेव होती है, इसलिए बोथ ANB यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द इंडेंट टैग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन HTML टू अटैच विच टाइप ऑफ फाइल। बेड के लिए किस टाइप की फाइल के लिए यूज होता है बेड टैग? इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या फिर इमेज वीडियो एंड ऑडियो। तीनों ही तरह के फाइल्स के लिए यूज होता है, इसलिए इमेज वीडियो एंड ऑडियो इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा एसेंशियल रीजंस बेस्ड क्वेश्चन है। एसेंशियल दिया गया है यहाँ पर, पेरेंट्स कम अंडर द IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स राइट, एसेंशियल रीजन दिया है पेरेंट्स इज एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द यूजर फॉर एन इन्वेंशन, यानी कि इसका एसेंशियल ओरिजिन दोनों ही करेक्ट है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसका जो बी इस नेक्स्ट दिया गया एसेंशियल दिया गया, नेट बैंकिंग फ्रॉड कैन बी क्लासीफाई एज साइबर क्राइम। एसेंशियल जो है वो सही है, नेट बैंकिंग फ्रॉड इंक्लूड द यूज इंटरनेट ऑफ इंटरनेट ये भी सही है, यानी इसका एसेंशियल ओरिजिन दोनों सही है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसीलिए जिसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, राइट? ये थे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसकी जो कंप्लीट वीडियो है पूरे पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सैम्पल पेपर की वीडियो का लिंक भी। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।